हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, एक्चुअली मैं आप लोग ही क्वेश्चन कर रहे हो एग्जैक्टली कि आप मैम स्टेप वाइज बताइए कि किस तरह से हम बीएड में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी कि बीएड में मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, बीएड में मार्क्स लाने के लिए आपको जो है एक प्रॉपर मैं बोलूँगी कि चीज़ें कुछ कुछ फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला तो होता है कि अपना नोट्स, आपको अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है। एंड देन आप लोगों को जो है एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए पढ़ने के लिए, उस टाइम टेबल में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से एक जब आंसर आप लिखे तो उसका एक जो है प्रेजेंटेशन वे होना चाहिए उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बीएड में जो है फुल मार्क्स मैं बोल सकती हूँ कि ला सकते हैं या अप्रॉक्सीमेटली फुल मार्क्स ला सकते हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास 4 बजे, बीएड सेकेंड ईयर की क्लास 7 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से अभी आगरा यूनिवर्सिटी का पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का चल रहा है, अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास चल रहा है एंड बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का चल रहा है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी भी, एक नंबर आपको दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, बीएड में हम कैसे जो है फुल मार्क्स लेकर आए। पहला ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड कर रहे हैं। देखिए, स्टेप वाइज बता, ऐसे तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, टाइम टेबल को लेकर वीडियो बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो है किस तरह से सारी चीज़ें फॉलो करनी है वो सब बता चुकी हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में सभी चीज़ों को स्टेप में हम लेकर चलेंगे, कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अगर हम पूरा करते हैं, उस पर हम चलते हैं तो हम डेफिनेटली जो है फुल मार्क्स बीएड में ला सकते हैं। सबसे नंबर वन सजेशन आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है नोट्स अपना प्रिपेयर कीजिए, नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। अगर बाय द वे आप जॉब में हैं या फिर कुछ रीज़न की वजह से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि आप लोग जो है टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, आप 2 घंटे ही पढ़िए दिन भर में, लेकिन वो 2 घंटे जो है रेगुलर पढ़िए। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, वो 2 घंटे आपको रेगुलर उस टाइम में पढ़ना है, राइटिंग के लिए अलग टाइम निकालना है, लर्निंग के लिए अलग टाइम निकालना है, ये टाइम टेबल का हुआ। तीसरा जो आपका है कि ऐसा है, हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें तो आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो लेकिन जब एग्जामिनेशन में लिखने की बात आए वहाँ पर जो है आप फेल हो जाते हो, क्योंकि जो आप लिखेंगे उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो जो आप आंसर लिखे वो जो है प्रॉपर पैटर्न में हो, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग अंडरलाइन होना चाहिए, ऑथर्स का नाम, राइटर का नाम, फिलोसफर्स का नाम लिखा हुआ है तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आंसर में लिखते टाइम में ध्यान देना होगा। एक प्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर लिखते टाइम में, हमें आता सब कुछ है लेकिन उसको हम मैनेज वे में जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते, नहीं लिख पाते हैं तो उससे हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप फेल हो जाओगे आपको, लेकिन आपको वैसा मार्क्स नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है आंसर लिखते टाइम में, 2 पेन यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अंडरलाइन जो भी हेडिंग दे रहे हैं अंडरलाइन कीजिए, ट्राई कीजिए कि जो आंसर आप लिख रहे हैं वो पॉइंट्स में आंसर लिखें, पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का ट्राई कीजिए, एक्सप्लेनेशन कम दीजिए और इस तरह से जो है आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये बस मैं इतना ही, ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में ना तो डेफिनेटली आप बीएड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे 100%, जिसमें कोई भी जो है 2 राय नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस चीज़ को लेकर के, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है बीएड से रिलेटेड। डेफिनेटली हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं और जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।